गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने पसंदीदा चैनल केवीज किचन में मैं करुणेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है अब तक हमारी जितनी भी बनाई हुई डिशेज हैं वो आपको पसंद आई होंगी और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप उस बेल आइकन को दबाना कतई मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करते तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी की डिटेल्स स्क्रीन पे मौजूद है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और स्वादिष्ट स्टार्टर्स या स्नैक्स। बिल्कुल से कुछ आपको स्टार्टर्स बनाना है, गेस्ट्स आ गए हैं और आपके पास में अगर ये रॉ मटेरियल मौजूद है तो आप इसको 15 मिनट में बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रॉन्स के पकौड़ों, बहुत ही गोल्डन और क्रिस्पी प्रॉन्स के पकौड़े बनाते हैं। ये हमने फ्रेश प्रॉन्स लिए थे, करीब करीब 500 ग्राम थे। ये इसको अच्छे से इसको सब डीवेन करने के बाद में ये रफली 200 ग्राम प्रॉन्स आए हैं। आपके पास में फ्रोजन प्रॉन्स हो तो आप फ्रोजन प्रॉन्स भी यूज कर सकते हैं उसको थॉ करके। और हम बनाएंगे इसको इटालियन सीजनिंग में। आप इसको नॉर्मल इंडियन मसालों में भी बना सकते हैं, लेकिन इटालियन सीजनिंग का जो इटालियन हर्ब्स का जो एक फ्लेवर आता है वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए प्रॉन्स जो है, प्रॉन्स का अपना एक अलग टेस्ट होता है। आप चाहें तो सिर्फ हल्की सी काली मिर्च और नमक में भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक हल्का सा ऊपर से एक फ्लेवर आने के लिए हम इसमें ये मिला रहे हैं। और हम डाल रहे हैं इसमें सीजन सॉल्ट। देखिए हमने बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी सी प्रॉन्स है, इसमें ऑलरेडी नमक होगा, तो सीजन सॉल्ट हम बहुत ध्यान से डालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास में रिवर प्रॉन्स है, फ्रेश वाटर प्रॉन्स है, तो आप सॉल्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीजन सॉल्ट हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, पैप्रिका, ओनियन गार्लिक हल्का हल्का सा और रेड चिलीज मिले हुए, इसलिए आप अगर आपके पास में सीजन सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट के साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी रेड चिलीज मिला दें और इसमें हम थोड़े से चिली के फ्लेक्स भी मिलाएंगे एक से। बस इसको हम मिला देते हैं अच्छे से। तो ये प्रॉन्स के पकौड़े बनाने के लिए प्रॉन्स तैयार है। इसको ज़्यादा देर तक मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं, बस आप 5 मिनट इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। देखिए ये प्रॉन्स को हम ऐसे भी इनकी पकौड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो पकौड़ियाँ बनाएंगे ना तो वो प्रॉन्स राउंड राउंड हो जाते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसका हम इसमें डाल देंगे टूथपिक। तो जब ये पकौड़े बनेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉन्स स्ट्रेट आएंगे। तो ये टूथपिक हमने इसमें डाल दिया, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये प्रॉन्स सीधे रहेंगे, कर्ली नहीं होंगे, राउंड राउंड नहीं होंगे, और दूसरी बात खाते समय इसको बहुत आराम से इसको पकड़ करके आप खा सकते हैं। इसको हम रैप करेंगे थोड़े ब्रेड क्रम्स में, जिससे कि बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे अच्छे। तो आपके पास में ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप राइस फ्लोर भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल डाल देते हैं, फुल पे कर देते हैं आंच को। देखिए हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके ये प्रॉन्स डाल देते हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से फ्राई होने देंगे और उसके बाद इसको हम पलट देंगे और गैस को हम मीडियम पे कर देंगे। ये एक तरफ से प्रॉन्स हमारे हो गए, अब इसको हम पलट देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से भी इसको हम फ्राई कर देते हैं। देखिए ये प्रॉन्स बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे कि जो भी एक्सेस ऑयल है वो इसका एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारे गोल्डन क्रिस्पी प्रॉन्स पकौड़े तैयार हो गए, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे बने। अब इसको आप चाहे तो आप हरी चटनी से खाइए
चाहे आप स्वाद से खाइए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया पुराने के पकौड़े बने। बड़ी बार मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका इटालियन फ्लेवर जो आया इतना अच्छा आ रहा है कि बस मज़ा आ गया। तो देखिए ये टूथपिक कितनी काम आई, ना हमें स्पून की जरूरत पड़ी, ना फॉक की जरूरत पड़ी, प्रॉन्स भी सीधे हो गए और आपके टूथपिक से पकड़ लीजिए इसको खाने। अब आप इसको यूज मत कर लीजिएगा, इसको फेंक दीजिएगा, ठीक है? फिर तो ये बनाइए आप प्रॉन के पकौड़े और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।